गुड मॉर्निंग, टुडे इन क्लास 5। बच्चों आज हम आपको बताएंगे कि विशेषणों की रचना कैसे की जाती है। ठीक है, यहाँ पे हमने इस चैप्टर में पढ़ाया था विशेषण क्या है। तो विशेषण क्या होते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं वो विशेषण होते हैं। इसके बाद में विशेषण को हम कई भागों में बाँट सकते हैं। विशेषण के भेद होते हैं चार। गुणवाचक, तो ये क्या है, गुणों की विशेषता बताते हैं। संख्यावाचक, संख्या की विशेषता बताते हैं। फिर होता है परिमाणवाचक, परिमाण नापतौल की विशेषता बताते हैं। फिर होता है सर्वनामिक, सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं। ठीक है, गुणवाचक में आ जाता है नया, जापानी, दुबला, गुणवाचक में आ जाता है। गुण, दोष, स्वभाव, दशा, आकार, रंग आदि संबंधी जो विशेषता होती है वो गुणवाचक विशेषण में आती है। इसके बाद आता है आपका संख्यावाचक। तो संख्यावाचक में आपका 2, 4, 5, 6 ये संख्या में आ जाएगी। जितनी भी संख्या आएगी वो संख्यावाचक विशेषण होगी। इसके बाद आएगी आपकी परिमाणवाचक। परिमाण में आपका आएगा मापतौल। तो जो मापतौल होगा 4 लीटर 5 लीटर, थोड़ा ज़्यादा, तो ये सब क्या है, परिमाण में आ जाता है, नापतौल में आ जाता है। इसके बाद आता है आपका परिमाणवाचक विशेषण। तो इसके बाद आपका आता है सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषता होती है यह है, वह है, ऐसा, कोई, वैसा। ठीक, ये आता है सर्वनामिक विशेषण। इसके बाद में अब सर्वनाम हो गया। इसके बाद हम लेते हैं सर्वनामिक विशेषण। तो सर्वनामिक विशेषण हो गया आपका। इसके बाद में विशेषण और शब्द और विशेषण। तो यहाँ पे शब्द हैं बच्चों, और ये शब्दों से हम विशेषण की रचना कैसे करते हैं आज हम ये बता रहे हैं आपको। ये तो लास्ट वीडियो में आपको पढ़ाया था कि विशेषण क्या है, विशेषण के भेद कितने हैं, ठीक है, उनका संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सर्वनामिक, ये सभी उसके विशेषण के भाग हैं। अब विशेषण की रचना कैसे की जाती है ये आपको बताएंगे। तो ठीक है, शब्द है अंत और उस विशेषण क्या हो गया, अंतिम। इसके बाद में है जहर और उसका विशेषण क्या हो गया, जहरीला। नेक्स्ट है शक्ति, शक्ति का विशेषण होता है शक्तिशाली। फिर है साप्ताहिक, सॉरी सप्ताह, सप्ताह का विशेषण होता है साप्ताहिक। फिर है सुगंध, सुगंध का विशेषण सुगंधित। फिर लड़ना, लड़ना का विशेषण लड़ाकू। उदास, उदासी का विशेषण उदास होता है। फिर है मास, मास का विशेषण मासिक। घर का विशेषण घरेलू। मिठास का विशेषण मीठा। सड़ना का विशेषण सड़ियल। भीतर का विशेषण भीतरी। भार का विशेषण भारी। पढ़ना का विशेषण पढ़ाकू। शब्द है रस, उसका विशेषण रसीला। धन का विशेषण धनी। आगे का विशेषण अंगला। हरियाली का विशेषण हरा। पर्वत का विशेषण पर्वतीय। प्रकृति का विशेषण प्राकृतिक। इतिहास का विशेषण ऐतिहासिक। पत्थर का विशेषण पथरीला। दिन का विशेषण दैनिक। जापान का विशेषण जापानी। और नीचे का विशेषण निचला।
पीछे का विशेषण पिछला, भावना का विशेषण भावुक, बाद में वंदना, लास्ट में वंदना, वंदना का विशेषण वंदनीय होता है। ठीक है बच्चों, तो आप सभी क्या करेंगे, इससे कम से कम 15 विशेषण जो शब्द हैं, शब्द और विशेषण अपनी हिंदी लैंग्वेज की नोटबुक में लिखेंगे। ये आपका होमवर्क असाइनमेंट है, इससे कितने लिखेंगे, 15 शब्द विशेषण अपनी हिंदी लैंग्वेज की नोटबुक में लिखेंगे। ओके बच्चों, ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।